ये देखो बोलिए, मैगी मूगी का खाना बदल गया होगा, मैगी मूगी खाते हैं फिर ये हो गया वो हो गया बोलते हैं और इसको खाने का मन कर रहा है। ये मुझे खाने नहीं देगा। अरे बचाओ 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 गाइस, इतना भारी बैग है ना, इसमें लाए हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस हमारा नाश्ता वास्ता हो गया और पापा सुबह लेट आए 10 बजे ड्यूटी से कैंटीन, क्योंकि कैंटीन में सामान बट रहा ना आजकल, तो बहुत भीड़ हो रही है। तो मैंने बोला था पापा को सुबह ही वहीं से लेकर आना, तो 10 बजे आए पापा। फिर अभी नाश्ता करा, अब मैं आपको दिखाता हूँ ना पापा क्या क्या सामान लाए हैं। मैंने भी मंगाया था थोड़ा सा, दिखाता हूँ। हाँ रुको, तो गाइस अब मैं सामान दिखाता हूँ। खुल ही नहीं रहे थे। ये पता नहीं क्या लाए हैं, वो जो पंचमेवा में नहीं होता सूखा सूखा सा, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, ये वही चीज है। खाली पौधी थी ये, तो वह है ये बताने वाली चीज नहीं है। ओ, माल्टा भी मिलते कैंटीन में गाइस, कैंटीन में से माल्टा भी लाए देखो। और ये है सर्फ हैंको वाला, दो, एक है दो तीन, तीन तीन सर्फ हैं। ये किसका है? और ये पापा अपने लिए अंदर का वो लाए हैं, इनर होता है ना गर्म होता है जिसे, वो है। और एक ये है दो। मेरा सामान तो कुछ है ही नहीं गाइस, एक और सर्फ, मेरा एक भी सामान नहीं है गाइस। ताजमहल वाली चाय पत्ती किसका है ये? 325 का। अगर इसका एक कप चाय बनेगा तो कितने में जाएगा? 50 का। ये हो गया सामान खत्म। अब पापा एक दूसरा बैग और है, उसमें भी लाए पापा, इसमें भी सामान डाल के आए हैं, फिर देखते हैं। खोलो जल्दी खोलो जल्दी खोलो, ये बंद जो हो रहा है। तो मेरे को भी ऐसी बैग चाहिए था, कितना मस्त है। मेरा बैग तो टूट गया, वो हैंडल पकड़ने वाला खुल गया। ये मेरे लिए तो क्या हो गया। तो गाइस इसमें है प्रेस, ये एक और इनर अंदर का, और मैगी। यहाँ मैगी के अलग ही पैकेट लग रहे ना, कितने मैगी लेकर आए हैं। छः सात आठ पैकेट, कितने पैकेट मैगी। एक माल्टा इसमें भी है, इसको भी यहाँ पे रखो और इसको भी यहाँ पे रखो। ताजमहल के दो डब्बे देखो गाइस, ताजमहल चाय पत्ती के दो बड़े बॉक्स और हैं। और ये हैं वेद शक्ति कोलगेट, आयुर्वेदिक वाला कोलगेट है ये, कैंटीन में हम ऐसे लेकर आए हैं। और शैम्पू, तो गाइस शैम्पू नहीं मिला ये क्या है? चलो कोई नहीं, डैंड्रफ वाला तो है ये, डब वाला। तो गाइस मैंने हेड एंड शोल्डर मंगाए थे क्योंकि डैंड्रफ हो रहे हैं और इसमें ना एंटी डैंड्रफ सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो ये काम आएगा। और क्लीन, फिर उसके बाद क्लीन ही प्लस यूज करूँगी। और दो सरसों का तेल है, प्योर वाले, बहुत प्योर वाले मिलते हैं। ये 120 की बोतल आती है छोटू सी। और ये अचार का मैंगो वाला, खाली मैंगो वाला। मेरा चंद्रास है गाइस, मेरा चंद्रास आ गया। और मेरा फेस वॉश कहाँ है? वाह गाइस, लाइफ बॉय साबुन चार बड़े बड़े से।
और ये लिरिल। तो गाइस ये है नहाने वाला, ये भी लिरिल वाला नया आजकल चल रहा है। ये क्यों लाए हो? अच्छा ब्लैक पेपर और ये लाइटर, लाइटर तो था ही, क्यों लाए हो? तो गाइस इतना सामान है, ये देखो इतना सारा सामान। और ये है मैगी है। तो गाइस इतना सारा सामान है और इसमें से कुछ कुछ हमारा है, कुछ कुछ किसी का है, क्योंकि लोगों ने भी मंगाया था ना। तो ये तो मेरा, बाकी तो पता नहीं। और मैंने फेस वॉश मंगाया था, शायद मिला ही नहीं। इन सामान को सेट करना है। पापा ये किस किस का है? तीन आपके थोड़ी होंगे, गरम वाले मस्त एकदम से। ये लो दो, ये है एक आ गया। तो भाई सब जिन जिन के सामान है वो अलग कर रहे हैं। साइज के घर पे लिखा है, साइज दिख रहा है? एल, एल साइज, लो एल साइज। और ये भी एक्सेल है, बड़ा साइज है। और ये है एक्सेल, ये और ये वाला सेम है। हाँ ये भी एक्सेल है ना, ये दो सेम। अब क्या है? और ये आपका, ये पापा का ना, एक इतना छोटा, बस एक ही ऊपर का, 450 का एक ही ऊपर का। ये हमारा सामान है, तो ये यहाँ पे अलग से। ये किसका है? तो गाइस ये भी हमारा प्रेस है। मैं तो चैन प्रेस खा रही हूँ, छोड़ो। तो गाइस मेरा चैन प्रेस आ गया, अब चैन प्रेस खा रही हूँ। मुझे बहुत पसंद है चैन प्रेस। तो गाइस मैंने ना दिन का खाना खा लिया, और उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक नहीं मारा, मतलब मैं अपनी स्वेटर पूरी कर रही थी। अभी तो ना मैं बाजू बना रही हूँ, मतलब मैंने आगे से और पीछे का हिस्सा कंप्लीट कर दिया है, और अब मैं बना रही हूँ बाजू। और ब्लैक वाला तागा ना बहुत कम बचा है, एक ही गोला बचा था बड़ा बड़ा सा, तो मैंने उसके दो पार्ट किए। और एक रेड वाला लाई थी इसके साथ मिक्स करने के लिए ब्लैक के साथ, तो उसके भी दो पार्ट करे अलग अलग, तो मैंने ऐसे बना लिया। तो मतलब बाजू में ऐसे बना रही हूँ, रेड एंड ब्लैक करके। और स्वेटर बीच में से पूरा प्लेन ब्लैक है, तो आपको बन जाएगा, उसके बाद दिखाऊंगी। जन्नू आ गया और मौसी आ गया। मैं जन्नू और मौसी के साथ जा रहा हूँ ऐठान घूमने, या अपना झाड़ तो निकाल यहाँ पे। मैं फटाफट से एक जैकेट पहन के आता हूँ, फिर आता हूँ। इसको यहाँ, इसको यहाँ। तो गाइस मौसी ना दुकान से टॉफी ले रही थी, मतलब जहाँ सिद्धू लाते ना वाली मौसी के बच्चे के लिए। हमने सोचा हमारे लिए ले लिया, मैं चॉइस करूँ ये वाला रूढ़ी वाला बिना चिक्कल वाला। लास्ट में मौसी ने बोला तुम्हारे लिए थोड़ी ना ले रही हूँ। दोनों कितनी झंडे हुई है ना, बहुत बड़ी बात है। गाइज अब हम चढ़ाई में लग गए, रास्ता बिल्कुल नहीं चल पा रहे। मौसी ने पता हमको ये वाले रास्ते से जाना बोला था, क्योंकि इधर गधेरा वाला रास्ता अच्छा नहीं है, इसलिए हम दूसरे रास्ते जा रहे, वही पुराने वाले रास्ते, क्योंकि वहाँ से हमको रास्ता याद ही नहीं है। भगवान थोड़ा सा नीचे से रास्ता टपका देता तो कितना अच्छा होता। प्लीज़ इतना सा एक घर साइड कर दो, मतलब थोड़ी देर के लिए, हम ताकि जल्दी पहुंच जाए, ताकत ही नहीं आ रही है। तो गाइस हम यहाँ पहुंच गए दूध लेने, और ये कल मौसी का वो था एनिवर्सरी, और आज के खा रहे मौसी वाला मेरे हाथ में पड़ गया। अब हम खाएंगे, पहले टेस्ट करता हूँ हमें कैसा हो रहा। वो दूसरी वीडियो बनाई थी ना जो हमने देखी थी फोन पे, मम्मी रोटी खाई है नहीं आई है?
नहीं आई नीचे यहाँ अर्जुन में ना अपना जो जो बैठा चाची ना उसको ना ऊपर रख रहे ऊपर घर में रख रहे थे वाला उसमें एक कुत्ता भी था वाइस वाला वो आपका ही था क्या आपके शक्ल नीचे मैच करती है वो आपका कुत्ता था क्या नहीं हमारा कुत्ता नहीं था बगल वालों का कुत्ता था बताओ ना वो तो आपके घर में बंद था पता नहीं वही तो वाला बड़ा कुत्ता मेरी आदत कमजोर है तो गाइस हम नई पैकेट लेकर आए थे कि ये शीशा के लिए तो मेकअप बॉक्स आना उसमें गिफ्ट मिला देखा छोटू सा लूडो मिला ये गोटियां भी हैं अरे वाह कितना सुंदर है यार गोटियां कहाँ गोटियां बस दो ही हैं हम ऐसे खेल सकते तो गाइस इसमें दो ही गोटियां मिली है तो गाइस हम दूध लेकर आ गए हमें रास्ते में ना एक चारपाई भी लिया खड़े करके हम मैं सो गया कोई देखेगा ना डांट पड़ेगी मस्त बात है चलो चलो तो तो गाइस हमारा भी खाना पीना नहीं हुआ और मैंने थोड़ा सब्जी बना दी थी और पापा के लिए मम्मी ने चार रोटी बना दी पापा को भेज दिया मम्मी ताली मार के नीचे आ गई दोबारा हमारे लिए रोटी नहीं बनी है वो बनाने जाना है अब तो मैं आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ अब आपको मिलूँगी कल नेक्स्ट व्लॉग पे कल क्या पता पोथी में गड़िया बगवाल बोलते हैं ना वो है क्या पता जाना हो सकता है नहीं भी क्योंकि अभी फिक्स नहीं है तो जाएंगे तो आपको भी ले जाऊंगी नहीं जाएंगे तो फिर घर पे ही मिलते हैं ठीक है तो आज के लिए इतना ही तब तक अपना ध्यान रखिएगा टेक केयर बाय बाय।